अब्दुल अजीज कुंजी मकर जिन्हें अजीत नाजा नाजाना हिंदी अजीत नाम से जाना जाता है। 7 मई 1938 8 अक्टूबर 1992 एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक थे। उन्हें विशेष रूप से कवाली नाम शैली के लिए याद किया जाता है। पृष्ठभूमि उनका जन्म मुंबई में एक प्रमुख पारिवारिक केरला मुस्लिम परिवार में हुआ था। बुनियादी मुस्लिम आस्था रखने वाले उनके परिवार को संगीत पसंद नहीं था क्योंकि इस्लाम में संगीत को बुराई माना जाता है, लेकिन उन्हें संगीत का इतना शौक था इसलिए उन्होंने इसे गुप्त रूप से जारी रखा। जब भी उनके परिवार के सदस्य उन्हें गाते हुए पाए गए तो उन्हें कड़ी सजा दी गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपना गायन करियर जारी रखा। उन्होंने 9 साल की छोटी उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। इसके बाद वह ऑर्केस्ट्रा से जुड़ गए और लता मंगेशकर के गाने गाने लगे। कुछ समय बाद वह कोरस गायक के रूप में मशहूर कव्वाल हमें तो लूट लिया, मिलके हुसैन वालों ने फेम इस्माइल आज़ाद की पार्टी में शामिल हो गए। धीरे धीरे उन्हें व्यक्तिगत कव्वाल के रूप में पहचान मिल गई। उन्होंने 1958 में द ग्रोमो कंपनी लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। सफलता 1962 में उनका रिकॉर्ड जिया नहीं माना रिलीज हुआ और एक बड़ा हिट बन गया। इस एल्बम से उन्हें एक मशहूर कव्वाल के रूप में पहचान मिली। 1968 में उनका रिकॉर्ड निगाह ए करम रिलीज हुआ और कव्वाली प्रशंसकों के बीच एक बड़ी हिट बन गया, लेकिन उन्हें असली सफलता 1970 में मिली जब उनकी समकालीन महान हिट झूम बराबर झूम शराबी कोलम्बिया म्यूजिक कंपनी द्वारा रिलीज की गई और इसे नंबर से सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1973 में फिल्म मेरे गरीब नवाज रिलीज हुई। फिल्म के बीच में अजीत नाजा की 20 मिनट की रील उनका गाना झूम बराबर गाते हुए दिखाई गई थी। इस नवंबर की वजह से फिल्म मेरे गरीब नवाज को महत्वपूर्ण सफलता मिली। 1974 में IS जौहर ने अपनी फिल्म 5 राइफल्स में झूम बराबर झूम शराबी गाना जोड़ा और यह भी काफ़ी हिट रहा। रेडियो सिलाने की एक प्रतियोगिता कार्यक्रम बिना का गीत माला में झूम बराबर झूम शराबी कई हफ्तों तक नंबर 1 पर रहा था। झूम बराबर झूम शराबी अजीत नाजा के करियर का टर्निंग पॉइंट थी। इस जबरदस्त हिट के बाद अजीत नाजा प्लेबैक सिंगर के तौर पर भी बड़ा नाम बना गए। इसके बाद उन्होंने रफ्फू कक्कड़, फकीरा, लैला मजनू, नहले पे दहला और तूसना जैसी कई फिल्मों में गाने गाए। तूसना में उन्होंने एक विशेष भूमिका निभाई और गाना हुस्न वाले किसी के यार नहीं होते उन पर फिल्माया गया था। संगीत सीखना। अपने पारिवारिक जीवन में वह उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के घर जाते थे जो भिंडी बाजार के ही इलाके में रहते थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत के कई उस्ताद हर दिन उनके घर पर इकट्ठा होते थे। अजीत नाजा उन्हें गाते या बजाते सुनते थे और बेशक उनसे बहुत कुछ सीखते थे। प्रसिद्ध मिलने के बाद वह मोहम्मद के संगीत बन गए। इब्राहिम खान साहब संगीत निदेशक गुलाम मोहम्मद के छोटे भाई और संगीत निदेशक नौशद के सहायक बने और उन्होंने संगीत की नियमित शिक्षा लेनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद उन्हें दिग्गज संगीत निदेशक रफी गजवानी को जो संगीत निदेशक मदन मोहन गुलाम मोहम्मद के उस्ताद थे यह संगीत सीखने का मौका मिला। उसके बाद उस्ताद ने इब्राहिम खान उनमें शास्त्रीय संगीत गाने और हारमोनियम तबला बोगो आदि जैसे कई वाद्य यंत्र बजाने की प्रतिभा भी है। अजीत लाजा मालवरी में थे, वह केरला से थे। उनकी मातृभाषा मलयालम थी और उन्होंने अपनी संस्थागत योग्यता गुजराती माध्यम से प्राप्त की थी, लेकिन कव्वाली गाने के लिए उन्हें उर्दू सीखनी पड़ी, इसलिए उन्होंने सादिक निजामी नाम का शायर से उर्दू सीखी। कविता की भावना उनके लिए ईश्वरी उपहार थी। उनके पास उर्दू शायरी की किताबों का एक विशाल पुस्तकालय था और हर महीने भारत के अलावा पाकिस्तान से भी उन्हें 50-60 नई किताबें मिलती थी। वह कई साहित्य पत्रिकाओं सदस्य थे। बसी बंद्रा मखमूर साहिदी मेराज फैजाबादी पूसना बिहारी नूर लखनावी वाली आसी वसीम बरेलावी मुन्नावर राणा और मुजाफ़र वर्सी आदि कई शायर उनके करीबी दोस्त थे। हालांकि अपने रिकॉर्ड किए गए एल्बम में उन्हें ज़्यादातर केसर रत्नागिरी हसरत पदासन के लिए उन्होंने ज़्यादातर समय अच्छी लेकिन कठिन गज़लों का चयन किया। उन्होंने कई शेर कठास्त्र कर लिए थे। वे स्वयं एक अच्छे कवि थे। संगीत निर्देशन। उन्होंने अपने द्वारा गाई गई सभी गैर फिल्मी कव्वालियों का संगीत तैयार और निर्देशित किया। उनका संगीत कव्वाली की परंपरा से परा था इसलिए उन्हें बागी कव्वाल या विद्रोही कव्वाल की उपाधि मिली। यहाँ तक कि कई बार उन्होंने अपनी दोस्त की खातिर संगीत भी तैयार किया। 4 फिल्मों पलकी राम और श्याम साथी और संघर्ष में उन्होंने संगीत निदेशक नौशद की सहायता की। 1980 में उन्होंने आत्माराम द्वारा निर्मित फिल्म प्यार के राही के लिए संगीत तैयार और निर्देशित किया। कव्वाल एसोसिएशन 1983 में उन्होंने बॉम्बे शहर के सभी कव्वालों को संगठित किया और इस तरह बॉम्बे कव्वाली एसोसिएशन अस्तित्व में आया।
लेकिन बाद में उनकी बीमारी और बाद में उनकी मृत्यु के कारण एसोसिएशन टूट गया। वीडियो रिकॉर्डिंग वर्ष 1986 में अपने अमेरिका और कनाडा दौरे के दौरान उन्होंने एक्सपायर और वीडियो कंपनी के साथ अपना पहला आधिकारिक वीडियो रिकॉर्ड किया। उसके बाद स्टार ट्रैक वीडियो कंपनी फिल्म मेरे गरीब नवाज के बीच में चलने वाली अपनी 20 मिनट की रील को वीडियो के कैसेट के रूप में जारी किया और दुबई के आल मशहूर वीडियो ने 1984 के अपने दुबई शो को वीडियो कैसेट के रूप में जारी किया। बाद का जीवन 1978 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। 1982 में HMM भी उनकी एक और समकालीन महान हिट चढ़ा था सूरत दिलीज की, लेकिन उसके बाद कुछ विवाद के कारण उन्होंने HMV के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर दिया। 1985 में उन्होंने एक हिंदू लड़की से शादी की और उसका नाम मुमताज नाखा रखा। उसी वर्ष उन्होंने वीनस कैसेट एंड टेप्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया और इस कंपनी के लिए हंगामा नाम से अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड किया। उन्होंने वीनस कैसेट एंड टेप्स लिमिटेड के साथ कुल 4 एल्बम किए, जो है हंगामा, शाने खवाब, हमद, नताबा सलामा और मैं नशे में हूँ उनकी आखिरी रिकॉर्डिंग थी। बीमारी और मृत्यु उन्हें कभी भी शराब या किसी नशीली दवा की लत नहीं थी, लेकिन उन्हें अच्छे भोजन का बहुत शौक था और उन्होंने इसे खाने की इच्छा पर कभी नियंत्रण नहीं रखा। वह मधुमेह रोगी और भोजन के प्रति उनके जुनून ने उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा पड़ाव डाला। 1992 में वे बीमार पड़ गए और 8 अक्टूबर 1992 को इस संसारी दुनिया से उनका निधन हो गया। प्रभाव, वह बचपन में अनुभवी कव्वाली इस्माइल आजाद की गायन और संगीत रचना की शैली से बहुत प्रेरित थे। अपने शुरुआती करियर में उन्होंने उनका अनुशासन किया, लेकिन जल्दी उन्होंने अपनी QVN शैली विकसित की और समय के साथ उनकी शैली को महत्व मिलता गया। बाद में वह उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब और उस्ताद सलामत खान साहब से प्रेरित हुए और उन्होंने कव्वाली गायन को शास्त्रीय स्पष्टता दी। उनकी याददाश्त बहुत तेज थी और उन्हें हजारों शेर जुबानी याद थे। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर वे उन्हें वापस भी बुला सकता था। 1960 के दशक में उन्होंने विभिन्न शास्त्रीय रागों पर आधारित गीतों की रचना की। उनकी अधिकांश रचना इतनी उन्नत थी कि वर्षों तक अन्य संगीतकार और निर्देशकों द्वारा उनका अनुशासन किया जाता था। 1979 में उन्होंने झूम बराबर झूम सलावी की रचना की और इस युग में जब कव्वाली केवल तबला और हारमोनिया पर आधारित थी, उन्होंने कव्वाली में मेडोलिना, बस, गिटार, कांगो, बोंगो, विडा, स्टाम यूटिलेशन सेक्शन और ट्रोमा जैसी पश्चिम भारत यात्रा में पेशकश की। इसके अलावा उन्होंने कव्वाली में नए लायर पैटर्न और कठिन चुनौतीपूर्ण संगीत भागों और संगीत व्यवस्था की शुरुआत की। 1971 में उन्होंने अपने प्रसिद्ध गीत मस्ती में आए पिया जा में कहरवाया और कांगो कीक और डूंगी के संयोजन में वेस्टर्न चाचा पेश किया, जिसे बाद में कई महान संगीत निर्देशकों ने अपनाया। उन्होंने इस कव्वाली गाने में पहली बार इलेक्ट्रिक गिटार और इलेक्ट्रिक साउंड इफेक्ट भी इस्तेमाल किया था। 70 और 80 के दशक में कल्याण जी, RD बब्बन और बप्पी लहड़ी ने अपने संगीत में इलेक्ट्रॉनिक ध्वनियों का इस्तेमाल किया, लेकिन अजीत नाजी ने 70 के दशक की शुरुआत में इसका इस्तेमाल किया, जिसकी चर्चा आज भी होती है। 1980 में उनका प्रसिद्ध की चढ़ता सूरज धीरे धीरे एक शास्त्रीय राग पर आधारित था, जिसे केवल 2 गायकों ने गाया। एक पाकिस्तानी गायक मेहदी हसन थे और दूसरे अजीत नाजा थे और उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया था। अजीत नाजा ने हमेशा महान संगीतकारों जैसे सरगी वादक उस्ताद सुल्तान खान, तबला वादक उस्ताद अब्दुल करीम खान, मेडोलिन वादक मुस्तफा साजादा अली और पाकिस्तान के तबला वादक उस्ताद तारिक खान आदि के साथ काम किया। उन्होंने अच्छे तकनीकी रिकॉर्डेशन साउंड डिजाइनर आदि के साथ काम किया। उन्होंने अपने गीतों की रचना की और गीतों में प्रयुक्त शब्दों के प्रभाव के अनुसार पद यात्राओं का उपयोग किया ताकि वह लोगों के दिलों पर उचित प्रभाव डालने के लिए गीती की भावनाओं को सामने ला सके, जैसा कि उन्होंने अपने प्रसिद्ध गीत में सितारे और मॉडलिंग के संयोजन का उपयोग किया था। 3 नज़र आग को दिलदार और एक अद्भुत गीत बन गया। उन्होंने अपने भक्ति एल्बम सेले आला में ट्रैक प्रोग्रामिंग और फीडिंग का उपयोग किया। इस एल्बम में उन्होंने पहली बार कव्वाली में ड्रम और पश्चिम ताल का इस्तेमाल किया। इस एल्बम की रिकॉर्डिंग के समय डबल ट्रैक की तकनीक उपलब्ध नहीं थी, लेकिन उन्होंने रत्नात्मक रूप से 32 ट्रैक रिकॉर्डिंग का उपयोग किया और इसे 5-6 वाले गीत में प्रत्येक पंक्ति को 32 बार गाया और इस तरह एक डबल ट्रैक प्रभाव बनाया और मुख्य स्वर में गाया, जिससे साथ ही अपनी आवाज़ में क्रॉस भी इकलौते गाने की रिकॉर्डिंग 4 महीने लगा गए। उनके आखिरी एल्बम में नशे में हूँ में कुछ गाने पूरी तरह से वेस्टर्न प्रोग्रामिंग पर आधारित थे, जिसे बाद में भी सभी ने फॉलो किया। स्वर शैली और सीमा, उनकी आवाज़ की सीमा बहुत व्यापक थी जो आज तक किसी के पास नहीं है। उनके पास एक महत्वपूर्ण आवाज़ की गुणवत्ता थी और वह अपने चेहरे पर कोई प्रभाव डाले बिना सीसी से तत्तक सप्तक में गा सकते थे। हालांकि उनकी आवाज़ में कभी भी दरार नहीं पड़ी।
वह कई गायकों के लिए एक आदर्श थे। उनकी मृत्यु के वर्षों के बाद भी कई गायक उनके हिट गाने जैसे झूम बराबर, झूम शराबी और चढ़ता सूरज धीरे धीरे गा रहे हैं। उनमें से कुछ सोनू निगम, शंकर महादेवन, बाबा सागर, के आदि इतना ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे उनके फैन हैं और उनके गाने गाते हैं। एक रियलिटी शो में अक्षय कुमार ने अपने एक दोस्त की कवाली चढ़ता सूरज धीरे धीरे को ट्रिब्यूट देते हुए कहा कि किशोर अवस्था में वह और उनका एक दोस्त यह गाना गाया करता था। उनकी कला और गानों की प्रस्तुति ने लोगों को दीवाना बना दिया। लता मंगेशकर, दिलीप कुमार, राज कपूर, किशोर कुमार, इंदिरा कल्याण जी, प्रेमनाथ आदि जैसे कई दिग्गज गायकों, संगीत निर्देशकों और सितारों ने उन्हें अपने सामने सुनने के लिए अपने आप आवास पर उनका कार्यक्रम आयोजित किया। आज भी वह लाखों लोगों के दिलों में रहते हैं। 70 और 80 के दशक में किसी भी कवाल ने इसी सभीकरता नहीं बनाई जैसी अजीत नाजा ने बनाई। 1975 में जब सोने की कीमत रुपया उन्होंने प्रति 10 ग्राम के हिसाब से 520 रुपये वसूले, कला मंदिर कोलकाता में एक शो के भुगतान के रूप में 1,80,000 उनकी ही इतनी प्रसिद्ध थी कि एक बार जब वे एक चैरिटी शो के लिए रांची जा रहे थे तो लोगों ने ट्रेन रोककर अजीत नाजा से हाथ मिलाने की मांग की और उनसे मिलने के बाद ही वे आगे बढ़े। 1977 में झांसी में भी यही घटना घटी थी। हाल ही में MTV ने अपने कार्यक्रम कोक स्टूडियो में चढ़ता सूरज प्रसारित किया और बाद में इसे CD के रूप में जारी किया। कुछ समय बाद इस कवाली को सब TV पर धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक एपिसोड में किसी अन्य कलाकार द्वारा बजाया गया। उनके कई गाने इंटरनेट पर MP3 रिंगटोन और आईट्यून्स के रूप में उपलब्ध है।